आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आज मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ उससे बहुत सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। आप इसको अंधविश्वास ना माने, इसके पीछे फुल प्रूफ साइंटिफिक रीजन है। उन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करूंगी कि पीरियड के 10 दिन पहले आपको कौन कौन सी बेसिक गलतियां नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। पीरियड के 10 दिन पहले ही मैंने आपको ये कुछ रेमेडीज़ हैं मैंने ट्राई करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि पीरियड का जब 10 दिन पहले से हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ रही होती है, क्योंकि उसी टाइम पे नन्हा सा जो जायगॉट होता है वो आपके यूट्रस की दीवार पर चिपकता है। इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होता है, इसका मतलब कि गर्भ नहीं रुकता है। चाहे कितना अच्छा भी अंडा क्यों ना हो, चाहे कितने अच्छे मेल के सेल क्यों ना हो, चाहे उनका फर्टिलाइजेशन कितने अच्छी तरीके से क्यों ना हो, अगर इम्प्लांटेशन में दिक्कतें आती हैं, अगर इम्प्लांटेशन फेल होता है तो भी आपका गर्भ नहीं रुकता है। तो ये जो 10 दिन होता है ये हाईली क्रूशल टाइम होता है जिस टाइम पे इम्प्लांटेशन हो सकता है। एक्सपेक्टेड अगर करेंगे कि हाँ, जिन महिलाओं के पीरियड साइकिल जल्दी आते हैं मे बी उनका ओवुलेशन जल्दी से होगा तो इम्प्लांटेशन भी जल्दी हो सकता है, लेकिन पीरियड के करीब 20वें दिन के बाद से, यानी कि जो आपका नेक्स्ट पीरियड है उसके 10 दिन पहले से लेके आपके पीरियड के डेट तक कभी भी इम्प्लांटेशन हो सकती है। इम्प्लांटेशन के दौरान बहुत सारी महिलाओं को इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग या ब्लीडिंग भी फील होती है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको ये फीलिंग होती ही नहीं है। लेकिन इसका बिल्कुल कतई ये मतलब नहीं होता है कि जिनको ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प नहीं आया है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं आई है, दैट डजेंट मीन कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। उनकी प्रेगनेंसी तब भी रुक सकती है क्योंकि बहुत सारे साइन एंड सिम्टम, अदर भी सिम्टम बहुत सारी महिलाओं को फील होते हैं। एक जैसे सबको सिम्टम दिखाई देंगे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, आपकी प्रेगनेंसी को वहाँ पर स्टेबल करने के लिए जो आपके प्रोजेस्टेरोन की मात्रा होती है वो बॉडी में लगातार इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपके यूट्रस को सपोर्ट मिलता है ताकि नन्हा सा जो ब्लास्टोसिस्ट है, जायगॉट है, वो जो आपके यूट्रस की दीवार पर चिपका है उसकी स्टेबिलिटी, उसकी सस्टेनेबिलिटी करीब 9 महीने तक वहाँ पर हो जाए। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपके बच्चे को एक्सटर्नल सपोर्ट देती है, वो आपके यूट्रस में जब वो चिपका है तो उसको एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिलती है। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि जल्दी जल्दी से उनका गर्भ गिर जाता है, तो डॉक्टर्स आपको क्या करती हैं, प्रोजेस्टेरोन की गोलियां देती हैं जो कि वजाइनली रखनी होती हैं और कुछ के इंजेक्शंस भी लगते हैं। तो ये इस वजह से होता है ताकि बच्चे को एक्सटर्नल सपोर्ट मिल सके। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपको पता है कि कितना ज़रूरी है कि आपके पीरियड के 10वें दिन के बाद से आपका इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकता है, तो आपके जो यूट्रस के तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा जाना चाहिए, आपके प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अच्छी जानी चाहिए ताकि बच्चे की सस्टेनेबिलिटी वहां पर कंप्लीट हो सके। अब रही बात कि प्रोजेस्टेरोन को हम नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं, तो देखिए आप अपनी डाइट को बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। कोई भी ऐसी डिफरेंट करने वाली जो चीज़ें होती हैं, लाइक अगर आपकी सडन ट्रैवलिंग होती है, कई बार कहीं आना जाना होता है जहां पर आपके हार्मोन बिगड़ने के चांसेस होते हैं, तो वो सारे कुछ आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो को, जो कि कंप्लीट मैंने इस वीडियो को एम्फेसिस किया है, वो है हेयर वॉश ट्रिक के ऊपर। हेयर वॉश आपको बंद कर देना है, और हेयर वॉश बंद करना और आपके प्रोजेस्टेरोन की मात्रा का बढ़ना, दोनों ही कोरिलेशन इसके साथ देखा जाता है। अब होता क्या है कि जब महिलाएं पीरियड के 20वें दिन के बाद से हेयर वॉश करती हैं, जहां पर इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकता है, तो जब भी हेयर वॉश करती हैं उनके प्रोजेस्टेरोन के बिगड़ने के केसेस देखे गए हैं। अब इसका क्या लॉजिक है, तो देखिए लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। आपके हेड पे जो भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं जो कि रेगुलेट होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, आपकी बीटा एससीजी हो, प्रोजेस्टेरोन हो, वो सारा कुछ का रेगुलराइजेशन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। अगर आप अपने सर को धोती हैं, बॉडी की तासीर को डिफरेंट करती हैं, यानी कि जिस टाइम पे बॉडी को गर्माहट की ज़रूरत है उस टाइम पे बॉडी बिल्कुल ठंडी कूल डाउन हो जाती है, तो आपके हार्मोन बिगड़ते हैं। अगर कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरोन की कमी होगी, जिन महिलाओं को ऑलरेडी प्रोजेस्टेरोन कम बनते हैं जो कि हेयर वॉश करती हैं, उन महिलाओं की प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे केस में आपको ये समझने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा है वो बिल्कुल सस्टेन हो सके, ताकि आपके गर्भ का बिल्कुल अच्छी तरह से वहाँ पर सेटलमेंट हो सके। तो आपकी प्रोजेस्टेरोन की मात्रा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी अगर आप हेयर वॉश करती हैं, तो हेयर वॉश करने से होता क्या है कि आपके
हार्मोन के इम्बैलेंसेस देखे जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो कि वीक हार्मोन होती हैं या फिर जिनके हार्मोन के इम्बैलेंसेस ज़्यादा होते हैं, उनको ये हेयर वॉश ट्रिक बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जिन महिलाओं के बिल्कुल नॉर्मल पीरियड साइकिल हैं, हेल्दी है उनकी पीरियड साइकिल और उनको पीरियड भी खुल करके आता है या फिर नॉर्मली उनके जो हार्मोन्स हैं बिल्कुल सही हैं, उन महिलाओं को आपने देखा होगा कि चाहे वो हेयर वॉश करें या ना करें उनकी प्रेगनेंसी सस्टेन हो जाती है। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक अगर आप कोशिशें कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिया, तब आप ये रामबाण उपाय ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि हेयर वॉश ट्रिक एक इकलौता ऐसा ट्रिक है जिससे बहुत सारे मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं उनका कंसीव हुआ है। तो एक विश्वास के साथ आपको उस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ऐसा कतई मत समझिएगा कि हेयर वॉश हमने नहीं किया है तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। सिर्फ और सिर्फ हेयर वॉश करने से ही आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, बल्कि और भी अदर भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसको आप देखिए समझिए, जो आपकी बॉडी को सूट करती है उसको आप, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। अब रही बात कि हेयर वॉश को कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो आपको पीरियड के 20वें के बाद से हेयर वॉश बंद करना है। रिलेशन भी प्लान नहीं करना है, क्योंकि रिलेशन भी प्लान करने से आपके हार्मोन में भी बिगड़ सकते हैं, हार्मोन के इम्बैलेंसेस होते हैं, या फिर आपके यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब महिला ऑर्गेजम प्राप्त करती हैं, तो उस टाइम पे भी आपके जो नन्हा सा जो जायगॉट है उसको चिपकने में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि यूट्रस के वॉल का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इम्प्लांटेशन में भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सारे जो प्रिकॉशंस होते हैं वो महिलाओं को देखने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, ताकि उनका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी करीब 10 ऐसी गलतियां हैं जो कि महिलाओं को इम्प्लांटेशन के दौरान नहीं करनी होती है, उसकी लिंक मैं इंड स्क्रीन पर ड्रॉप करूंगी कि कौन कौन सी वो बेसिक गलतियां होती हैं जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा।